केमिकल से अच्छा होता नहीं। गाइस मेरा चटपटी बंदा है, रेडी हो रहा है। रूसी नाम है इनका, गाना दे पूरा तो का। गाइस क्या नज़ारा, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। गाइस मस्त लोकेशन है, देखिए पीछे। गाइस ये चटपटी का दुकान है, दुकान का ओनर है। क्या नाम है, नेपाल जाने के लिए आ गया हूँ, रास्ता में हूँ और जा रहे हैं नूनथर। यहाँ से लगभग, चलिए दिखाता हूँ आगे, 60-70 किलोमीटर है नेपाल। वहाँ चल करके दिखाता हूँ कैसा वहाँ का लोकेशन। आज न्यू ईयर है, गाइस तो आधा रास्ता पे आ चुका हूँ। देखिए ये आधा रास्ता यानी कि नेपाल का रूट है यहाँ। ये मेरा शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से मैं अक्सर यहीं से आता हूँ क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है, इधर कोई वो नहीं रहता है, शॉर्टकट चल देता हूँ। देखिए कैसा रूट है, और ये नहर है, नहर के ही बगल से होकर के जाता हूँ। तो चलिए चल रहा हूँ, फिर आधा घंटा और लगेगा पहुँचने में। गाइस थोड़ा देर और बचा हुआ है, सुबह से कुछ खाया नहीं। दीदी रूसी, रूसी नाम है इनका, चटपटी बना रहे। गाइस नेपाल में आते ही सबसे मेरा मनपसंद चीज़ है तो वो है चटपटी। चटपटी बहुत खाता हूँ, अच्छा भी लगता है, और यहाँ का अच्छा फेमस चीज़ है चटपटी। तो अक्सर नेपाल आते ही पहले चटपटी। और एक आदमी ये वीडियो देख रही होंगी, सारू जी, तो वो बहुत मिस कर रही होंगी क्योंकि वो चटपटी उनको भी अच्छा लगता है। जब भी मैं घर, ये देखिए गाइस टर्की कितना बड़ा है। और हरिओम से थोड़ा सा पीछे हूँ मैं, अभी लगभग 5-10 किलोमीटर जरूर होगा यहाँ से, है ना। हाँ 10 किलोमीटर होगा पीछे, देख सकते दो जगह उसको डिवाइड कर। देखो गाइस चटपटी बन के रेडी है, खाने जा रहा हूँ और मज़ा आ गया आज। फिर आगे चलते हैं, दिखाते हैं। फाइनली नूनथर से पहले हूँ, हरिओम में हूँ। देखिए पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया है, यानी कि हम बहुत लेट पहुँचे हैं। 4 बजे यहाँ पहुँचवे किए हैं। पैदल चल रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरा हेलमेट था, वो हेलमेट पूरा डैमेज हो गया है, तो हेलमेट नहीं है, इसके वजह से पैदल ही जाना पड़ेगा। जहाँ चौक यहाँ से दूर है, और चल रहा हूँ, गाड़ी का इंतज़ार किया हूँ। गाड़ी एक मैजिक आ भी रहा था, तो मैं सोचा कि वो मैजिक था। देखिए गाइस ये है हरिओम चौक, और
यहाँ से 8-9 किलोमीटर है, चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में, आगे भी दिखाऊंगा। लेकिन नेपाल का कैसा कल्चर है, नेपाल का लोग कैसा है, यहाँ का वातावरण अच्छा है, काफ़ी अच्छा अच्छा लगता है। ये देखिए गाइस, हरिओम चौक, अब यहाँ से देखता हूँ गाड़ी का इंतज़ार कर रहा, गाड़ी के लिए गाड़ी मिलेगा तो गाड़ी से जाना पड़ेगा, गाड़ी का वेट करते हैं, गाड़ी आएगा तो गाड़ी लूँगा यहाँ से आगे से। आगे गाड़ी मिलेगा। देखिए गाइस, ऑटो है, देखिए अभी ऑटो में है और ऑटो यहाँ से निकलने वाला है भरतताल के लिए। चलिए कितना टाइम लगेगा देख लेते हैं, भरतताल यहाँ से और यहाँ ऑटो गैरेज है, यहाँ से लगेगा 4-5 किलोमीटर है शायद, तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे जो भी चीज़ होगा वो सब तो बताएंगे ही दिखाएंगे ही। आज 1 जनवरी था 2023 का, तो घूमने चले आया हूँ, फिर चलते हैं, मिलते हैं वहीं। भी ज़्यादा भीड़ है गाइस, देखिए पानी का हिलकोड़ा अजीब, अलग ही एक वो है गाइस, इतना भीड़ है यहाँ, देखिए क्या नज़ारा है गाइस, काफ़ी अलग नज़ारा है, बहुत चल रहा है जैसे वगैरह चल रहा है। आज यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया का घूमने आए हुए हैं, आज न्यू ईयर था इसके लिए। आओ ना उधर, चलो उधर, बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन है यहाँ पे, लोकेशन बोले तो मस्त लोकेशन है, देखिए बहुत ज़्यादा, देखिए वहाँ बोट सब है, बहुत मस्त मस्त लोकेशन है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते जैसा लोकेशन यहाँ पे। आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं और अच्छा लगा यहाँ का लोकेशन, काफ़ी अच्छा ज़्यादा लोकेशन है, भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं घूमने यहाँ पे, अच्छा जगह है, लोकेशन मस्त लगा, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। देखिए गाइस कैसा नज़ारा है, गजब का नज़ारा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है आज, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज न्यू ईयर है इसके लिए, लेट पहुँचे हैं इसलिए कि उधर गाड़ी घर से ही लेट से आए हैं, इसके लिए लेट से पहुंचा हूं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूं। पूरा थोड़ी उधर तो जा रहे हैं, देखते हैं कहां से उसका टिकट मिलता है, घूमते हैं, चल आज लग रहा है नुंथर भी नहीं घूम पाएंगे क्योंकि वहाँ जाते जाते पूरा रात हो जाएगा, यहीं पे पूरा लेट हो चुका हूँ और वहाँ जाते जाते पूरा रात हो जाएगा आज, चलते हैं टिकट कहाँ पे मिलता है वहाँ से देखता हूँ और चलते हैं हम भी इसमें घूमते हैं थोड़ा सा। क्या नज़ारा है गाइस, लग रहा है समुंदर के किनारे आ चुका हूँ, मस्त नज़ारा है समुंदर के किनारे, लग रहा है पापा,
हमारे पास स्टोरेज फुल हो जाएगा क्योंकि मोबाइल में उतना स्टोरेज है नहीं कि इतना वीडियो क्लिप बना पाऊंगा। लग रहा है मेरे मोबाइल का स्टोरेज भी फुल हो जाएगा। गाइस इधर तो और ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इधर। चलिए दिखाता हूँ, इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस। और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा क्योंकि जो पहले वाला स्टोरेज फ़ोन का था वो हट चुका है और बहुत ज़्यादा कम है। तो हम सोच रहे थे बहुत सारा चीज़ दिखाते लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, संभव नहीं लग रहा क्योंकि आज जाना भी है, वापस भी होना है। अगर वापस नहीं हो पाएंगे तो फिर होटल लेना पड़ेगा, होटल रहना पड़ेगा। मस्त मस्त नज़ारा बन चुका है यहाँ का गाइस, आप लोग भी आइए घूमने यहाँ पे, मस्त जगह है, काफ़ी अच्छा है। और देखिए इसमें, देखिए यही, ये देख लीजिए, इतना अच्छा है। और यहाँ पे फिर देखिए वहाँ एक बोट खुलने वाला है, रेडी हो रहा है, तो शायद लेट हो गया मैं उसमें जाते हैं। और देखिए उधर क्या नज़ारा है गाइस, काफ़ी मस्त है, मज़ा आ गया गाइस। यहाँ फोटो शूटो सब चल रहा है। गाइस क्या नज़ारा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का गाइस, मस्त लोकेशन है। देखिए पीछे आप लोग आकर के घूम सकते हैं, मज़ा आ जाएगा गाइस, बहुत काफ़ी मस्त लोकेशन है, नज़ारा काफ़ी अच्छा लोकेशन है, मज़ा आ गया गाइस। देखो नज़ारा तो मस्त है, ये देखो क्या नज़ारा है। शाम का टाइम हो चुका है, 5 बज गया होगा। देखिए शाम का टाइम है, 5 बजने वाला है और यहाँ से जाना भी है क्योंकि इधर बगल में होटल नहीं है तो उधर ही जाना पड़ेगा। देखिए मस्त नज़ारा है लोकेशन। सब कहां से बुक होता है, जा रहे हैं कुछ खाएंगे क्योंकि कुछ खाया नहीं सुबह से, बस चटपट खाया हूँ सो ही, उसके बाद कुछ नहीं खाया हूँ। अब चलता हूँ, कुछ खाएंगे पहले, उसके बाद घूमते उमते। देखिए भाई कैमरा एक पर एक कैमरा सब लेकर के फोटोग्राफी कर रहे हैं भाई, 5D ये सब 70-200। देखिए उम्मीद से भी ज़्यादा आज भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस। अब चलता हूँ वहाँ पे, घूमेंगे पहले, उसके बाद देखो गाइस वहीं पे टिकट मिलेगा। तो चलिए टिकट लेते हैं, पूछते हैं टिकट का दाम क्या है। यहीं पे मिल रहा है गाइस, देखिए टिकट लेता हूँ, चलता हूँ क्या कैसे बात करता हूँ। यहाँ पे और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। टिकट के लिए पूछना पड़ेगा टिकट कहाँ से हो, तो भिगा ना दे पूरा, कपड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं लाया हूँ गाइस। तो देखिए यहाँ का नज़ारा क्या है, काफ़ी मस्त नज़ारा है। अब चल रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है जाने का, तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलेंगे फिर कल यहाँ पे आएंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इतना भीड़ है ना कि आप अनुमान लगा नहीं सकते हैं, इतना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, सोची भी नहीं था उस टाइप से ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू।
फोर्ट में घूम नहीं पाया क्योंकि इधर से चलो कल आऊँगा तब होगा, क्योंकि आज इतना ज़्यादा काफ़ी भीड़ है, इतना भीड़ है टिकट ही नहीं मिल रहा है गाइस। और जो टिकट का 150-200 दाम था, आज उस टिकट का 500 प्लस हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दाम बता रहे हैं। तो फिर कल तो नूंथर जाना है, तो फिर आएंगे यहाँ पे, तो एक बार घूम लेंगे। गाइस क्या जा रहा है ये देखिए, चला गया आगे। बहुत सारा चीज़ यहाँ पे बिक रहा है, बहुत सारा चीज़ मिल रहा है, अच्छा अच्छा चीज़ सब, मस्त मस्त चीज़ सब मिल रहा है, चश्मा भी बिक रहा है, मस्त लोकेशन लगा हुआ है, देखिए कितना मस्त है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा। लगता है मुंबई के किसी बीच पे है मुंबई के बीच पे। देखिए क्या नज़ारा है, काफ़ी मस्त नज़ारा है गाइस। गाइस सुपर का नज़ारा, थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं क्या है, कैसा है यहाँ का टूरिस्ट पॉइंट। अच्छा है, घूमने वाला नज़ारा अच्छा है, मस्त है। देखिए यहाँ से देखिए, मस्त लोकेशन यहाँ से देखिए लग रहा है, ऊपर काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव है। दिखा नहीं हूँ बट यहाँ देखिए कितना अच्छा लोकेशन है, आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, और यहाँ पे तरह तरह के, यानी कि हमको लग रहा है यहाँ पे रहने का भी रुकने का भी व्यवस्था है, मुझे लग रहा है जिस टाइप से होटल जैसा दिख नहीं रहा लेकिन रूम सब है, तो यहाँ पर ठहरा भी जा सकता है। और बहुत सारे चीज़, यानी कि नॉन वेज वेज सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ यहाँ पे लेकर के मिल सकता है, तो नहीं बताऊँगा। देखिए नीचे मिनी क्रूज लगा हुआ है वहाँ पे, मिनी क्रूज है आगे, मिनी क्रूज है छोटा क्रूज। तो आप लोग भी यहाँ पे आइए घूमने एक बार, अच्छा लोकेशन है घूमने का, अगर मन नहीं लग रहा घर पे तो एक बार आइए घूमने। देखिए वहाँ पे मिनी क्रूज आ सकते हैं आप लोग भी घूमने, लोकेशन अच्छा है, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, उपलब्ध है, आइए घूमने, मज़ा आ जाएगा गाइस। और उधर देखिए, उधर नदी है, और इधर देखिए इधर, हाँ नहीं बागमती आगे, हाँ गाइस देखिए कितना मस्त नज़ारा है, नीचे मिनी बोट है वो देखिए, मस्त है ना, आइए आप लोग घूमने गाइस, मज़ा आ जाएगा इधर। तो अब चल रहा हूँ, फिर कल जाना है तो कल जाऊँगा ही, लेकिन अभी के लिए फिलहाल चल रहा हूँ गाइस। ये देखिए मस्त लोकेशन, आप लोग भी आइए घूमने कभी, मज़ा आ जाएगा, क्या बताऊँ। अच्छा ये देखिए, बैठूँ घूमू गाइस, घोड़ा है, आगे मिनी क्रूज लगा हुआ गाइस, चलो खरीदें, आगे मिनी क्रूज लगा हुआ है। देखिए मैं उस क्रूज को दिखाता हूँ, आज तो घूमने का इस पे मौका नहीं मिला क्योंकि इतना भीड़ चल रहा है ना। ये देखिए, ये देखिए कल मौका मिलेगा घूमने का, क्योंकि आज मिला नहीं है टाइम, नहीं कि इतना ज़्यादा भीड़ है समझ। गुलाब
दूसरे नहीं, एक 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 का 200 रुपया दाम। ओ भाई, एक का 200 रुपया बता रही, भाई इतना महंगा। 100 रुपया में टोपी मिल रहा है गाइस। चल रहा हूँ, लास्ट टाइम है। देखिए पीछे से मिनी क्रूज आ रहा है स्पीड में, वो देखिए मिनी क्रूज है। कितना मस्त नजारा है गाइस। मस्त नजारा है गाइस, चल रहा हूँ। चलिए गाइस, और कचरा देखिए कितना है इसमें, खाली बोतल है। लोग कैसा बेवकूफ है, पी करके पानी इसी में फेंक देता है, गलत बात है। कितना का फोपी है? 20 रुपया का। ओ, फोपी 20 रुपया का है, ये लीजिए आप निकाल लीजिए 20 रुपया ले लो एक। ये देखिए गाइस, समुंदर के लहर से तो कम नहीं लग रहा है। देखिए आ गए हैं मुंबई। कॉफी कह रहा हूँ गाइस, आज क्योंकि कॉफी खरीद लिया और जाते जाते अब चल रहा हूँ। भरतल से निकल गया, बांध ले जाना। अरे बाटो हाँ छ ना,